सजावट की यहाँ पर चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो आप पांवटा साहिब बाज़ार में इस समय किस तरह का माहौल है ये लाइव के माध्यम से देख रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लाइव पहुंच सके। और ये देखिए किस तरह से दीपावली पर दीपक खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और अच्छी अच्छी नक्काशियाँ यहाँ पर, अच्छे अच्छे दीपक यहाँ पर मिल रहे हैं। खरीदारी करने के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं और फूल भी यहाँ पर, एक दुकान है जहाँ पर फूल भी रखे हुए हैं। ये देखिए, अरे बहुत अच्छी, वेरी गुड। आप देख सकते हैं कि गेंदे का फूल और फूल यहाँ पर शायद तोल कर भी यहाँ पर शायद फूल मिलते हैं। तो आप अगर आपको फूल की ज़रूरत हो तो बीच बाज़ार में पहुँचिए और यहाँ पर आपको फूल मिल जाएंगे। पांवटा बाज़ार में किस तरह का अभी माहौल है ये आप लाइव के माध्यम से देख रहे थे। हमारी गुजारिश यही रहेगी कि भगवान दीपावली की खुशियां हर घर में दें ताकि हर घर को खुशियां मिल सके। सामने गीता भवन मंदिर, तो फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, धन्यवाद और यूं ही आप हमारे साथ बने रहें। कैसा लग रहा है आज मौसम खुला है? पिछले कल तो मौसम खराब था। दिवाली का बहुत अच्छा मौसम है और अच्छा चल रहा है। सभी क्या करिए, सभी दिवाली के इस समय पटाखे खरीद रहे हैं, अच्छी खरीदारी हो रही है और हम सभी खुश हैं दुकानदार। कल की बात करें अगर हम, कल मौसम खराब हुआ था, आपने दुकान भी लगाई थी पटाखों की, तो कैसा मायूसी कैसी छाई हुई थी? क्योंकि अजीब सा लग रहा था कि मौसम खराब हो गया तो कैसे कार्य होगा, क्योंकि साल भर का त्यौहार है। बिल्कुल, साल भर का त्यौहार होता है, लेकिन भगवान की अच्छी वो रही, कृपा रही कि मौसम आज ठीक है। तो हम यही गुजारिश करेंगे भगवान से अब भी, लेकिन जैसे ही मौसम खराब हुआ उनकी चिंताएं बढ़ गई थी, लेकिन आज फिर से जैसे मौसम खुला है लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि दीपावली एक बहुत बड़ा त्यौहार है और भारत देश का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली है। और उसकी किसी कार्यक्रम में अगर खलल पड़ती है तो कहीं ना कहीं लोग परेशान हो ही जाते हैं, लेकिन अब मौसम साफ है। जैसा कि आपको पता है कि मौसम ने अपना रुख बदल लिया है, उसके बाद अब लोग दिवाली की खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे थे कि बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे पटाखे खरीदने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और दुकानदार भी कहीं ना कहीं खुश हैं। तो अब देखिए कि दूर दराज से लोग जो है वो खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं, पटाखे खरीदने के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और दशा देखिए कि किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, दुकानें सजी हैं, लोग खुशी खुशी खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि बाज़ार में किस तरह का माहौल है, किस तरह से यहाँ पर लोग खरीदारी करने पहुँच रहे हैं। बहुत से दुकानदारों ने अपने ग्राहकों के लिए ऑफर भी दिए हैं और कल जिस तरह से मौसम बिगड़ा था उसने कहीं ना कहीं दुकानदारों की चिंता तो बढ़ा ही दी थी। हमें उम्मीद है कि ये दीपावली का त्यौहार सबके लिए खुशियां लेकर आएगा। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि खुशियों का ये त्यौहार सब पर अपनी खुशियां बरसाए और सब लोग खुशी खुशी अपना ये त्यौहार मनाएं। दीपावली हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार है। सारी दुकानें सजी हैं और कुछ लोग खरीदारी कर वापस जा रहे हैं और कुछ लोग खरीदारी कर रहे हैं। पांवटा साहिब बाज़ार भारत के खूबसूरत बाज़ारों में से एक बाज़ार है और गुरु की पवित्र नगरी है ये।
यहाँ पर देश विदेश से लोग पहुँचते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।